नमस्कार, आज हम बात करेंगे ऋषि के ऊपर। अभी शरद ऋतु चल रही है और भाद्रपद महीना भी चल रहा है। आपको पता है कि एक उत्सव आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसको कहते हैं ऋषि पंचमी। वो भाद्रपद महीने में आता है। दूसरा, जो श्राद्ध के 16 दिन होते हैं वो हम इस तरह से ले कि वो भी ऋषि के कार्यों को याद करने के दिन है, तो ये भी यथार्थ है। यानी कि ऋषि का ये मास के साथ, भाद्रपद महीने के साथ बहुत गहरा रिश्ता है, संबंध है। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि ऋषि कौन होता है, ऋषि किसको कहते हैं। साधारणता से हम यदि ऋषि शब्द सुनते हैं तो बड़े बड़े बाल, बड़े बड़ी दाढ़ी, तप करते हुए, यानी कि एक कोई जंगल में कहीं पर एक पद्मासन लगाकर बैठे हैं वृक्ष के नीचे और कुछ भी बोलते नहीं हैं, आंख बंद करके बैठ गए हैं और लंबी साधना करते हैं, और उसके आसपास न जाने कितने पेड़ पौधे उग गए हैं, उसके आसपास मिट्टी लग गई है और वो ऐसे ही बैठे हैं। ऐसा हमने ऋषि के बारे में एक चित्र खड़ा किया है जो कि अवास्तविक है। यदि ऋषि शब्द का अर्थ देखा जाए, ऋषि किसको कहते हैं, तो उसका अर्थ है ऋषति, यानी कि जो संसार के पार देख सकता है, देखता है। ऋषति संसारस्य पारं दर्शयति इति ऋषि। और केवल वो देखता नहीं है अपितु वो सबको दिखाने की भी कोशिश करता है, दिखाता भी है। दर्शयति यानी कि वो दिखाता भी है। ना न ऋषिर कविर भवति, यानी कि कोई भी जो मार्गदर्शक क्रांत दृष्टा है वो ऋषि हुए बिना नहीं हो सकता है, ऐसे भी अनेक जगह पर प्रमाण मिलते हैं। तो आज जो भारत को सबसे ज्यादा जिस पर्सनालिटी की जरूरत है वो ऋषि की है। तो जैसे हम जाने कि ऋषि में क्या क्या होता है, तो उसमें सबसे पहले तो ऋषि यहां से होता है। पहला नंबर वो यहाँ से होता है। ऋषि कोई दाढ़ी से नहीं होता है, वो कोई कपड़े से नहीं होता है, कोई आचार से नहीं होता है, कोई कुछ क्रिया करने से नहीं होता है, और कोई सिद्धियों से भी ऋषि नहीं होता है। वो हो सकता है कि वो आपके संत हो, वो कोई महात्मा हो जाए, वो कोई कुछ बाबा हो जाए, ऐसा सब कुछ हो सकता है। और किसी माध्यम से कोई हवा में से चैन निकाल दे, कोई भभूति निकाल दे, कोई कुछ निकाल दे, लेकिन ऋषि का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। दूर दूर तक किसी भी बात का संबंध नहीं, क्योंकि ऋषि मस्तिष्क से होता है। उसके तीन स्टेप है ऋषि होने के। सबसे प्रथम वो गुरु के पास जाकर पहले तो बहुत श्रवण करता है, मतलब वो ज्ञान का पहला स्तर पास कर लिया उन्हें श्रवण का। दूसरा, श्रवण करने के बाद वो मनन करता है, तो ये दूसरा स्तर आ गया मनन का। और तीसरा, मनन की हुई बातों का वो निधिध्यासन सालों तक करता है। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन करके जो अपने आप में एक तत्व को निर्धारित करके, जो एक फिलोसोफर कहे, क्रांत दृष्टा कहे, तत्वज्ञानी कहे, जो ये स्तर पर जाता है, तो उसको भारतीय संस्कृति में ऋषि कहा गया है। मतलब और स्थान स्थान पर उपनिषदों में ऐसे ऋषियों की कथा मौजूद है। ऋषि में एक तो मस्तिष्क से होता है, यानी कि ज्ञान के ये तीन स्तर पास कर देता है, यानी मस्तिष्क से वो ज्ञानी होता ही है। लेकिन केवल ज्ञानी होकर काम नहीं चलता है, केवल ज्ञानी में भी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो उसको छोड़नी चाहिए। तो इसके लिए इसके साथ साथ ज्ञानी के साथ साथ उसका भावनात्मक भी होना, उसका एक प्रकार से करुणावान भी होना जरूरी होता है। इसके लिए दूसरा स्टेप ये है कि वो जैसे मस्तिष्क से होता है ऐसे हृदय से होता है। मतलब जिसका मस्तिष्क ज्ञान से भरा हो और जिसका हृदय है वो भाव से भरा हो। मतलब सामने वाले को जरूरत देखे कि वो राह नहीं देखता है कि कभी वो मुझे बुलाए, कब वो मुझे इनवाइट करे, कभी वो मुझे कुछ दे और तभी मैं उसको ज्ञान दूँ, या तभी मैं उसको कुछ बताऊँ, या तभी उसके लिए कुछ करूँ। तो ये होता है हृदय से ऋषि। मतलब एक तो ज्ञान से भरा हुआ मस्तिष्क हो, भाव से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ जिसका हृदय हो। इसकी बात हम आगे करने वाले हैं ऋषि के चरित्र में कि कैसे करुणा से कितना भरा हुआ होता है ऋषियों का हृदय। तो वो निष्कारुण्य नहीं है। मतलब एक वैज्ञानिक और एक ऋषि की यदि आप तुलना करेंगे तो वैज्ञानिक और ऋषि, पंडित और ऋषि, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर ये है कि एक मानो कि वैज्ञानिक स्त्री है, या तो फिर एक पंडित है वो स्त्री है, विद्वान स्त्री है, और ऋषि माँ है।
तो एक स्त्री और एक माँ के बीच में जितना अंतर है उतना उतना तो अंतर कम से कम ज्ञानी और ऋषि के बीच में, वैज्ञानिक और ऋषि के बीच में है। जो जो लोग ऐसा कहते हैं कि पहले के काल के हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे, जो आज के वैज्ञानिक होते हैं, जैसे हम लोग विज्ञान के बारे में सोचते हैं, जैसे आल्बर्ट आइंस्टाइन है या फिर और भी ग्राहम बेल जैसे वैज्ञानिक हुए है, तो वो वैज्ञानिक और ऋषि में बहुत बड़ा अंतर है। मतलब एक स्त्री तो दोनों है, मतलब एक स्त्री की कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों में है, लेकिन एक माँ की कैरेक्टरिस्टिक दोनों में नहीं है, केवल ऋषि में है। यानी कि एक विद्वान एक वैज्ञानिक स्त्री तो है लेकिन माँ नहीं है, लेकिन ऋषि माँ है। दोनों में क्या अंतर है? मतलब जब बच्चे को जरूरत होती है वो माँ पूरा करती है, और वो माँ पूरा करते वक्त भी ऐसा जताती नहीं है कि वो कुछ उपकार कर रही है। माँ स्वयं प्रेरित है, पर प्रेरित नहीं है। ऋषि भी स्वयं प्रेरित होता है। जितनी भी समाज की समस्याएं हैं, समाज के प्रश्न हैं, उसको हल करने की, और खास करके उसको पार करते करते पूरे मनुष्य जाति को उस पार दिखाने की, और उस पार दिखाकर उस पार ले जाने की, जिसमें जो अप्रतिम शक्ति और प्रतिभा है, उसको ऋषि कहते हैं। और इसका एप्लीकेशन करने के लिए जिसके पास हाथ और पैर से अविरत होता हुआ कर्मयोग, मतलब जिसका मस्तिष्क ज्ञान से भरा हुआ, जिसका हृदय करुणा और भाव से भरा हुआ, और जिसका जो पैर हाथ और सारी कर्मेंद्रिया है वो अविरत कर्मयुक्त हो, यानी कि वो निष्क्रिय न हो। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो निष्क्रिय है, कुछ भी नहीं करते हैं, और कुछ भी न करना ही उसका एक गौरव बन चुका है। और इसके लिए भारत की प्रजा को भी दर्शन की जरूरत है। अभी हम प्रदर्शन घेले हो गए हैं। गुजराती में इसको कहते हैं कि हम प्रदर्शन घेला, हम प्रदर्शन के पीछे पागल है, दर्शन के पीछे नहीं है। इसके लिए मैं कुछ ना करूं और ध्यान में बैठा रहूं, कुटिया बनाऊं और अंदर जितना 5-10 फीट ध्यान में बैठ जाऊं, तो मैं कुछ न करते हुए पूजने लायक बन जाता हूं। फिर मेरे पास कोई कंसेप्ट है कि नहीं है, मेरे पास कुछ ज्ञान है कि नहीं है, मेरे पास कोई बोध है कि नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। बस भीड़ आने लगेगी। आपके बहुत बड़े महात्मा एक दाढ़ी बाल बना देते, यहाँ बड़े बड़े मतलब बना देते हैं, और उसके बाद फिर ज्ञान हो कहाँ पढ़े हैं, कौन से गुरु है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ के भी लोग फिर वहाँ चले जाते हैं, उसको पता ही नहीं है कि इसको कोई व्यवस्था में काम किया क्या। अच्छा, तो ये एक ऋषि की पहचान है। मतलब ये तो मैंने कही ऋषि की इंटर जो पर्सनालिटी है, इनर पर्सनालिटी। आउटर पर्सनालिटी में मैं यदि बताऊँ तो ऋषि और संत को कभी कभी हम एक कर देते हैं। जैसे ऋषि और वैज्ञानिक को हम एक जैसे मानते हैं तो एक जैसे नहीं है, ऐसे ऋषि और संत को भी हम एक मानते हैं। जैसे मीरा है, नरसिंह मेहता है, ऐसे बहुत सारे संत हैं हमारे यहाँ, तुकाराम है, ज्ञानेश्वर है सभी। लेकिन संत और ऋषि में फर्क है। संत के पास तो अध्यात्म है, भक्ति है, लेकिन विज्ञान नहीं है, व्यवस्था नहीं है, विद्या देने की जो एक परंपरा है वो नहीं है। तो इसके लिए कोई एक तुकाराम हो सकता है, लेकिन तुकाराम कोई एक तुकाराम दूसरे को तुकाराम नहीं बना सकता है। एक नरसिंह मेहता कितना भी प्रसिद्ध हो जाए लेकिन एक दूसरे नरसिंह मेहता को नहीं बना सकता है। एक मीरा तो पागल हो सकती है, भक्ति में डूब सकती है, सब कुछ हो, लेकिन वो दूसरी मीरा को जन्म नहीं दे सकती है। जैसे एक पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ खड़ा नहीं, पेड़ तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए एक स्वतंत्र प्रकाश चाहिए, उसके लिए स्वतंत्रता चाहिए। तो ये मर्यादा ये सब में है, संत में। उसके पास यद्यपि भक्ति है, उसके पास एक समर्पण है ईश्वर का, लेकिन उसके पास विज्ञान नहीं है, उसके पास विजन नहीं है, उसके पास व्यवस्था नहीं है। इसका जहां समन्वय हो चुका हो, जिसके पास एक कवि की प्रतिभा, कवि का काव्य हो, एक दार्शनिक की प्रतिभा हो, जिसके पास एक कर्मयोगी का विजन हो, कर्मठता हो, और जिसके पास एक व्यवहार कुशलता हो, उसको हमारे यहाँ ऋषि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखें कि बहुत सारे लोग ऊपर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन और ऊपर अपने आप चढ़, किसी भी हालत में चढ़ गए और उसके बाद वो चले गए, उसको मुक्त पुरुष कहते हैं। ऐसे सारे हजारों लाखों हैं, लेकिन कोई ऐसा हुआ कि वो ऊपर तो चढ़ा लेकिन नीचे एक डोरी रख कर गया, एक सीढ़ी रख कर गया। वो सीढ़ी इसलिए रख कर गया कि जैसे मैं आया वो रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए जिसने डोरी या फिर सीढ़ी या फिर स्टेप्स कुछ भी रखा वो ऋषि है।
ऋषि अकेला नहीं चढ़ता है, ऋषि ऐसी व्यवस्था को जन्म देता है। इसके लिए एक ऋषि के पीछे फिर 10 तैयार होते हैं, 10 ऋषि 50 को तैयार करता है, 50, 100, 500 को तैयार करते हैं, वो परंपरा चलती है और उसी का महत्व है। आज भारत में सबसे ज्यादा जिसका ऐसा कहे दुष्काल हो गया है, लोग दिग्भ्रांत हो गए हैं, एक ऋषि जाने के बाद में लगभग लगभग भारत शून्यता को प्राप्त हो गया है। ऋषि जाने से भारत में शायद अध्यात्म का अकाल सा हो गया है। ऋषि जाने के बाद प्रतिभा का केवल पलायन हुआ है यहाँ से। ऋषि जाने के बाद जैसे अध्यात्म ने जगत से विदा ले ली है, ऋषि जाने के बाद जैसे सही मायने में जो विज्ञान था हमको धर्म तक पहुंचाने का या धर्म का एक स्वरूप था लगभग लगभग लुप्त हो गया है। जो एक पोषण की व्यवस्थाएं थी अलग अलग प्रकार की, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था है, गृह शिक्षा व्यवस्था है, ऐसी सब वो शायद अभी रसातल चली गई है। एक ऋषि जाने के बाद कितना नुकसान समाज को हुआ है वो मननीय है। आज फिर से जरूरत है ऋषि को तैयार करने की, आज फिर से जरूरत है ऋषि को खड़ा करने की, आज फिर से जरूरत है ऋषि की प्रतिभा को पहचानने की। तो इसी सिलसिले में ऐसे ऋषि किसको कहते तो जाना, लेकिन उसका मूर्त स्वरूप कैसा होना चाहिए तो हमने फिलोसॉफिकली बात जानी, सारी थियरी जानी, प्रायोगिक रूप में ऐसे कितने ऋषि हुए, उस उन्होंने कितने कितने क्षेत्रों पर क्या क्या काम किए हैं वो हम सिलसिलेबंद देखते जाएंगे। केवल आपको ऋषि के बारे में ये सब जानकारी मिले और आपको भी लगे कि ऋषि अभी भी म्यूजियम में नहीं है, अभी भी हमारे बहुत सारे समाज में ऋषि हो रहे, बस जरूर है उसको पहचानने की, जरूर है उसको सपोर्ट करने की, जरूरत है वो जो व्यवस्था पर कार्य कर रहे हैं वो व्यवस्था को बढ़ावा देने की, और जरूरत है उसके दर्शन को पहचानने की, प्रदर्शन को नहीं। हम पूरा का पूरा अभी तो जनता प्रदर्शन के ऊपर पागल है, तो वो दर्शन को जानने की, वो विजन को समझने की हमको भगवान शक्ति दे, और हम भी इस सिलसिले में आज ऋषि मुनियों को याद करके हम क्रमशः ऋषि मुनियों के बारे में जानते जाएंगे। आप भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताएंगे, इसको पहुँचाएंगे, ये विचार को खुद समझेंगे और दूसरे लोगों को भी ये ऋषि का विचार पहुँचाएंगे, तो हमको सही मायने में जो भारतीय हीरो था, जो लीडरशिप लेता था, जो अनेक क्षेत्र का ज्ञाता था, जो बाल से लेकर वृद्ध तक को अनेक विषयों में निरंतर मार्गदर्शन प्रवाहित करता था, ऐसी जिसकी बुद्धि थी और जिसके पास ये अष्ट सिद्धि थी, तो ऐसे ऋषि मुनियों की हम गाथा लेने वाले हैं। तो आप भी देखिए, आपके बच्चों को भी ये ऋषि की गाथा सुनाइए और हर एक को ये प्रेरित करें कि कुछ न हो सके, ऋषि को हम पूर्ण न बन सके लेकिन ऋषि का हम अंश बने, और हम सब पर ऋण है ऋषियों का, अवसर आया है चुकाने का, इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी ऋषि मुनियों ने व्यवस्था दी है, जितने विज्ञानों को जन्म दिया है, तो वो सब में कुछ ना कुछ अपना तन मन धन जो भी हो सकता है वो व्यवस्था में प्रदान करें। इतना कहकर आगे हम ऋषि गाथा लेने वाले हैं, तो एक एक ऋषि के बारे में हम जानते जाएंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।